तो दोस्तों अपन आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आज अपन एक और न्यू ट्रिक सीखने वाले हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है और दोस्तों वो ट्रिक आप लोगों के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि अगर आप लैपटॉप पर पीसी पे काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो स्पीड प्रोवाइड रहेगी। ठीक है, सपोज आप कोई साइट को ओपन करने जा रहे हैं तो आप दोस्तों वो साइट बार बार ओपन करते हैं तो आपको कहीं बुकमार्क करके रखने की जरूरत नहीं है, किसी हिस्ट्री में जाकर आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, होम पेज पर आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप पेज पर इस जगह पर, और उस डायरेक्टली डबल क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप एक साथ दो वेबसाइट तीन वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होगा कैसे, तो वो प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टेक्निकल टिप्स और YouTube टिप्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको क्या करना होगा, नोटपैड को ओपन करना होगा। तो दोस्तों देखिए, नोटपैड को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। सपोज आपको या तो नोटपैड यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, नोटपैड करके डालेंगे आप NO करके तो नोटपैड आ जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ से आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट। टेक्स्ट ओपोनेंट का मतलब ही क्या होता है, आपका नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नोटपैड जैसे ही ओपन होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, देखिए नोटपैड तो ओपन हो गया लेकिन जो उसका बेसिकली काम है जो अपन करने वाले हैं, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक साइट को लिख लेना है। सपोज मैंने लिख लिया www.facebook.com, ठीक है, facebook.com। आप HTTPS लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो ना लगाएं। दूसरी साइट ले लेता हूँ दोस्तों मैं अपनी, जो कि अपनी फेवरेट साइट है, www.youtube.com, और दोस्तों साथ में मैं अपने चैनल का नाम जरूर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट है मेरी, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये मैंने URL दोनों के दे दिए हैं। अब बात आती है कि सर ये डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको ओपन करने के लिए अभी अगर मैं सेव कर दूंगा तो वो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा चीज़ों को। यहाँ पर कोई कमांड को डालना होगा, जो कि मैं आपको कमांड बता रहा हूँ वो कमांड आपको डालना है, जैसे कि @echo off। ठीक है, एक कमांड तो ये मैंने बता दी, echo off, @echo off, और आपका जो वेबसाइट है उन्होंने देखा कि @echo off मैंने लिख दिया। क्या दोस्तों इसको सेव करने के बाद हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट को मैं अभी हटा देता हूँ हाल फिलहाल। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने कट कर दिया है। तो दोस्तों इसको सेव करने के बाद ये वेबसाइट नहीं ओपन होगी, जो फेसबुक है URL वो ओपन नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा स्टार्ट, देन बस स्पेस देना होगा और आपको ये URL यहाँ पर दे देना होगा। बस अब आपको क्या करना है, Ctrl+S, मतलब आपको सेव करना है ये फाइल को। और सेव क्या करना है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ आपको। Ctrl+S नहीं होगा क्योंकि दोस्तों मैंने ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया है, तो आपको क्या करना होगा, सेव एज करना होगा। ठीक है, सेव एज से भी सेम आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप इसको सेव करा के माई साइट के नाम से इसको फोल्डर बना सकते हैं। अब माई साइट डायरेक्टली आप अगर सेव कर देंगे तो आपका काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको डॉट के साथ आपको लिखना होगा PAT, बैट, और यहाँ पर सेव कर देना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ तो इस टाइप का आपके सामने एक फाइल बन के आ जाएगी डेस्कटॉप पे। अब मैं इस पर जब डाइट डबल क्लिक करूंगा तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कुछ ही सेकंड के अंदर आपको ब्राउजर में आपकी वेबसाइट यहां पर ओपन होती हुई दिखाई देने वाली है, कुछ ही सेकंड के अंदर। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरा थोड़ा सा लैपी स्लो हो रहा है, आई थिंक नॉट, ठीक है, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपके सामने यहाँ पर ब्राउजर ओपन हो चुका है और ब्राउजर में दोस्तों ये साइट अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक, देख लीजिए दोस्तों फेसबुक अपने आप यहाँ पर का जो पेज है वो आ चुका है आपके सामने। आपने सिर्फ डबल क्लिक किया और डायरेक्टली फेसबुक ओपन हो चुकी है। दोस्तों मैं यहाँ से कट करूंगा इसको और उस जो पेज है अपना उसमें अपन को क्या करना है, एक साइट जो अपन और लिखे थे
वो डाल देते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, लेकिन इसके आगे भी आपको क्या लिखना होगा, स्टार्ट, ठीक है, स्पेस, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना है बस। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको मिनिमाइज करके इस पर डबल क्लिक करना है। अब अपन देख लेते हैं कि ये ओपन करता है कि नहीं करता है। अब थोड़ा जल्दी कर देगा क्योंकि एक बार ब्राउजर ओपन हो चुका है तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अब दोनों साइड ओपन होना चाहिए दोस्तों, फेसबुक और मेरा गूगल का पेज यू है। तो दोस्तों आपके सामने दोनों ही साइड यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, दोनों पेज यहाँ पर ओपन कर आए हैं आपके सामने। ये यूट्यूब का है और ये फेसबुक का है, देखिए ये फेसबुक और ये यूट्यूब और ये मेरा अपना चैनल आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये ही एक जो ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इको फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये कमांड को सेट करना है और डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट, आप 2, 4, 6 जितनी वेबसाइट को एक साथ ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।